दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लगे होंगे। दोस्तों हम भी अपने काम में लग चुके हैं, धूप काफ़ी हुई है, दिन के 8 बज चुके हैं, 8:30 हो चुके हैं लगभग। और अब हमारा आज का जो काम है वो है एकादशाह का, यानी कि 11वां दिन है तो आज एकादशाह होगा, तो उसी कार्यक्रम की तैयारी चल रही है दोस्तों। तो आज पूरा ब्लॉग जो होगा इस पर डिपेंडेंट होगा कि जो है कैसे दशगात्र होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। ये बाहर बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, कोई न्यूज़पेपर देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई देखिए परेशान है। ये देखिए यहाँ पर ये, और यहाँ पर देखिए झाड़ू लगने की कोशिश हो रही है, लगाने की कोशिश हो रही है। और बाकी सब कपड़े सुखाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं हमारे यहाँ, जहाँ देखेंगे वहाँ कपड़े ही कपड़े हैं, देख रहे हैं, क्योंकि जनता भी काफ़ी है यहाँ पर, तो जनता के कपड़े भी धुले गए हैं सब। अभी इधर है इतने सारे कपड़े, इधर देखिए इधर के कपड़े, तो चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, ये इस तरह से है, बाकी माहौल यही है। भाई जी की कार है, बहनों की कार है और फिर गौरव अपना है। ये सिरफल काफ़ी फट गया है हमारे यहाँ आम है। अब चल रहा हूँ मैं, नहाऊँगा दोस्तों। और ये देखिए शानदार झाड़ू लगाते हुए हमारे एक इंजीनियर साहब। ये चौकी, इस तरह की दो चौकियाँ बनाई गई हैं जो आम की लकड़ी की होती हैं, क्योंकि आम शुद्धता का प्रतीक होता है, तो इस तरह से एक वहाँ पर दान दी जाएगी, तालाब पर आज चलेंगे, और दूसरा ये कल के लिए है दोस्तों। ये देखिए गेम के माहिर, ये गेम में इतने मशगूल रहते हैं हमारे एक भांजे हैं कि इनको कुछ से मतलब नहीं है। लोग धूप सेक रहे हैं लेकिन इनको मैं क्या कर रहा हूँ, और ये देखिए एकदम भिड़े हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है सिवाय गेम के, बस गेम ही गेम इनकी। ये कहते हैं कि लाइफ इज अ गेम, जीवन एक खेल है और खेल करके जाना करेंगे तो यही कहेंगे, ये देख लेंगे देख लेंगे, ये यही कहते हैं कि देख लेंगे देख लेंगे। दोस्तों अचानक देखिए एक नया चेहरा सामने आ गया, अभी मैं देखा ही नहीं था, अभी पीछे मुड़ा तब तक ये भी हमारे एक बहनोई आ गए, जो है कि अभी भक्ते पर आते ही आ रहे हैं सिंगरौली से, 1:30 बजे रात से बनारस में थे, बनारस से निकलते भागते केड़ापुरा है, केड़ापुर से यहाँ आ गए। और ये देखिए सब सामान जा रहा है तालाब पर, सब धीरे धीरे चीजों को क्या करती हैं कि माँ की चरणों में ही सब कुछ है, इसलिए माँ की चरणों में पूरे अपने को डाल दिए, समर्पित कर दिए हैं ये, और पेपर पढ़ रही हैं। और ये इनसे पूछा जाएगा कि कौन सा पेपर है तो ये बताएंगे जरूर। और देखिए देखिए आप लोग समझ सकते हैं, देखिए ये इंग्लिश का पेपर है, इनके हिसाब से आप लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश में लिखा गया है इनके हिसाब से, और आप लोग पढ़कर समझ लीजिएगा। और ये अपने माँ के चरणों में है, ये दैनिक जागरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हाँ तो देखिए ये भाई जी सब सामान लेकर के रजाई तोशक सब जा रहे हैं, तो सारा सामान देखते हैं कि एक कार में आ जाता है कि दो कार में डालना पड़ता है, वैसे लग रहा है कि एक कार में आ जाएगा। बोलिए कि मैं किंडर जॉय नहीं खाऊंगी, मैं किटकैट भले खा लूं। हाँ, क्योंकि अमेरिका में इसको बैन कर दिया गया है। हाँ, और भाई देखिए क्या इतनी छोटी बच्ची क्या बोलती है, बोल दो भाई। सब्सक्राइब नहीं, शुरू से बोलो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। घर के अंदर का दृश्य देखिए, देखिए दोनों लोग बैठ करके सब्जी बन, देखिए इस तरह से कुछ सब्जी हमारे यहाँ बन रही है आजकल, क्योंकि जमात बहुत ज्यादा जुटी है, तो रंजू इस तरह से सब्जी बना रही है और उनका सहयोग भी कर रही है। दिवाकर जी की पत्नी जो साइड में खड़ी हुई है, देखिए छुप जा रही है हल्की हल्की, क्योंकि वो सामने आ नहीं सकते हैं कैमरे पर, भारी नहीं उठाती हैं तो हल्का उठा रही हैं, दिवाकर जी भी उससे हल्के ही हैं, सब काम सही है। और यहाँ देखिए ये जो है कि अंदर कुछ इस तरह से, और मामी देखिए क्या कर रहे हैं हमारी,
मेरा सारा सामान जो है कि लेकर के तैयार हैं, और इधर सब लोग जो है कि परेशान हैं, और ये देखिए इनको ठंडी बहुत ज़्यादा सता रही है। तो सब लोग कुछ अलग अलग तरीक़ों से हैं दोस्तों। मैं भी चल रहा हूँ अब तालाब के स्नान करने के लिए। और ये देखिए शिवी हैं जो निहुर निहुर कर चल रही हैं, झुक झुक करके चल रही हैं। चेहरा दिखा दो शिवी। हाँ देखिए हम स्नान करने के लिए तालाब पर आ गए हैं बाहर। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे में ही लेट हैं, और यही लोग लेट करके आए, देख रहे हैं आप लोग गमछा वमछा लगा करके और खूब खा पी करके मस्ती में आए लोग, और हमको कह रहे हैं लोग कि जो है कि हमारे में लेट है। हाँ प्रस्थान देखिए चालू हो गया, चलिए जाइए आप लोग। देखिए मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई है, लोग पंडित जी लोग हैं। गजब 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 हाड़ी पतकी के साथ, और प्लस जो है कि और सामानों के साथ। हटो भाई इधर देखिए, इसमें सामान लद गया और भी लादा जा रहा है इसमें, और इसमें बाल्टी भी ला दिए। तो यहाँ पर जो एकादशाह चल रहा है, और एकादशाह की प्रक्रिया कैसे चल रही है हमारे पंडित जी लोग कुछ बता रहे हैं, इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और मेरे इसके रिकॉर्ड करने का और ब्लॉग मिलाने का एक ही मकसद है, मैं कल भी बताया था कि जो भी लोग जानकार नहीं हैं वो जाने और देखें, और भारतीयता का कि भारत की जो संस्कृति है और सनातन धर्म क्या कहता है, और कैसे हमारे हम अपने माता पिता के ये सब कार्यक्रम को अच्छी तरह से कर पाएं, इसको देख करके आप समझें। और श्लोक आसन का आह्वान किया गया है, और विधि अनुसार जो है अर्चन पूजन किया गया है। उसके बाद जो है पिंडा का निर्माण किया जाएगा, पिंडा बनेगा और पिंडा भोजन दिया जाएगा, और पिंडा दिया जाएगा थोड़ा सा मध्यम प्रश के अंतर्गत, और उनका पूजा अर्चन किया जाएगा। उसके बाद मतलब एक आशा का कार्यक्रम जो शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया दोस्तों कि ये सारे चीज़ें मैं फिर एक बार और दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे समझेंगे कि इस तरह से पलाश के पत्रों पर रख करके 16 स्थान पर, और उस पर जो है कि भोजन के लिए सबको रखा गया है। इसके बाद कुश रखा गया है, देख सकते हैं आप लोग, और फिर मिष्ठान भी चढ़ाया गया, मैंने सारा चीज़ नैवेद्य पान पुष्प सब कुछ चढ़ाया जाता है। और इस तरह से ये इधर देवता का आसन, फिर यहाँ पर जो है कि ये प्रेत का आसन है, उसका फिर इधर जो है कि देवता का आसन है। तो इस तरह से ये मध्य खोटसी का कार्यक्रम होता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद जो प्रेत योनि है उससे मुक्ति मिलती है, और पितरों में जा करके पितरों में, हाँ एक बार बताइए, पितरों में जो है प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है मध्यम कोर्सी। एक्चुअली इसको करने का एक ही मात्र मकसद है ना कि जो हमारे पितर मान पितर होते हैं उनके साथ सामंजस्य बनाने के लिए, मिलाने के लिए किया जाता है, यानी कि हमारे जो भी जो आत्मा है वो पितरों की आत्मा के साथ सामंजस्य करके उनके साथ हो ले, उसमें पितर योनि में प्रवेश करे। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, और मैं तो इसी में लगा हुआ हूँ। और जो लोग भी हों इस तरह से जब भी कोई कार्यक्रम कराएं, अपने श्राद्ध कर्म को कराएं, तो इसमें ज़रूर जो है कि मध्य खोटसी कराएं, एक उचित ब्राह्मण को ढूंढें, और ढूंढ करके उनसे सब चीज़ें विधिपूर्वक कराएं, क्योंकि ऐसा कराने से पितृ ऋण की जो आप मुक्त होते हैं उससे, अगर आप ऐसा करते हैं तो। उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसको समझेंगे जानेंगे। और आगे अभी देखिए जो है कि यहाँ दूध में ये बनाया जा रहा है, देखिए एक पिंड यहाँ पाक बनाया गया है, और एक पिंडा यहाँ बनाया गया है, फिर अभी उससे तैयार होगा पिंडा। और इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर देखिए एक जो ब्राह्मण है वो अपना, वो लोग जो है कि भोजन अपना बना रहे हैं, उस भोजन को ग्रहण करेंगे ये पंडित जी, और इस तरह से सारी क्रियाएं यहाँ चल रही हैं। ये सब जैसे आ रहा है ना, हाँ। ये सात दक्षिणा, दो दक्षिणा, चला चला है ना, उसको दिखा रहा होगा टाइम। मामा का भी फोटो आना चाहिए। अच्छा तब तो और पीछे होना पड़ेगा मुझे, हटो। कहाँ हो गए लोग? हो जा गए बना चला।
अपन सपोर्ट को नहीं तो छोट बस अरे भाई जरूरी बा घर जाए बन जरूरी उधर ये समझाऊं का गर्मी बात तनी बन जाए है तो तनी बाद में होई हो दान हो गेलो वही के कर करबो हो ना बा वही ना बा हो अरे गिरा दे अरे हम गिरा हो गिरा दे स्वामीनाथ जी एक आदमी इधर भी रहिए अब गाय के धराई का दुसाहियो गड़बड़ न कर दे लातो तो राधे राधे इस तरह से हम लोग ये बना रहे हैं। देखिए आप लोग थोड़ा घी का यूज करना होगा। एक हाथ पर आई एक हाथ पर ही लोके कितने गए दो हाथ लगा के निकल गए थे भी हम दोनों हाथ का सहारा ले के बनाई बढ़िया से ठीक तो बन ही रहा है। हां ठीक सुंदर बन रहा है। इसको पता ले ले पता है हम ध्यान बात पता लो का पता है वो पकड़ ले बाबू हमें से बात है पता है बाबू को क्या कहे के पर को बुझ ले जा है हम देखो पता दबा भागल जाता है और वही डाल के बना देवे डैडी साला पिल्ला वहां पर कर कर एकदम एक बार दिखा देना मामा की तरफ कि मतलब कैसे आ रहा है दिखा दो। ठीक है अंदर अंदर
पढ़े लिखे के ना डाल पूजा के अंतर्गत आता है अरे हम चल चुन का धुआं लगा था। चलो रन दो हो गया चलो हो जी सोडा सोडा वीडियो ले रहा स्वरूपम हव्यम स्वाहा संपद्यता नमम छोड़ दीजिए कहाँ छुट्टी वहाँ छोड़ दीजिए चलो यहीं पर छोड़िए फिर वहाँ चल दीजिए ये तिल वाला कहीं चलिए वही निकल रख दिए उधर उधर दीपक दीपक पानी जग चंदन फूल आ गई बड़ा तो धान जा नहीं खाओ अच्छा तो हम धान जा के चतुर्भुज पितृपक्ति प्रवेशार्थम प्रियमाणे मध्यम षोडश श्राद्धांतर्गते दशमे गुरुजी के नाम लेली श्राद्धे इद मन्नम सोपस सोपस कर नमृत स्वरूपम अव्यम गुरुजी के नाम लेली प्रेताय ते मया दीयते उपतिष्ठताम छोड़ दीजिए हाथ झाड़ लिया बढ़िया से पैसे निकाल लो ऐसे सब्जी हो गई हो हे बाबू अरे वहा गल बना हो बिटुआ का बाप मनोज जी की दुकान है तंजा को उनके दिखा दो जा गुरुजी के नाम लेली चतुर्भुज पूर्वक पितरी भक्ति प्रवेशार्थ प्रियमारे मध्यम षोडश श्राद्धांतर गत विष्णुवादी तत्पुरुषांत श्राद्धेषु विष्णुवादी तत्पुरुषांत देवाः इद मन्नम सोपस्कर सोपस्कर ममृत स्वरूपम हव्यम स्वाहा संपद्यताम नमः चलिए हाथ जोड़िए हाथ मत दौड़ दौड़ लीजिए हाथ वाले खुल दीजिए
पियरो फूल अति अर्जी हो जनता फूल बोली ओम अन्नहीनम प्रियाहीनम विधिहीनम विधिहीनम च यद्भवेत् अछिद्र नस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै प्रधायै नित्यमेव नमो नमः ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै प्रधायै नित्यमेव नमो नमः ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यः एव च नमः नमो नमः हमारे चश्मा कुल सुनो लो सी है ना हमारे चश्मा दो दिन खाली अरे वो ये एक दिन का बात था दो दिन का ढेर हो गया हरि ओम अग्नि मिले पुरोहितं जगस्य देवतं ऋत्वजम् होतारं रत्नदातमम् ओम इखेतोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय ध्वाम भल्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमिव यय क्षमावैस्तेन इषत माघस वंशो ध्रुवा यस्मिन् गोपतौ अस्यात भविजमानस्य पशुन पाहि ओम अग्नयायाहि वितये ग्रीडानो हव्यदातये निहोता सतिबर्हिति ओम शर्णो देवी रभिषय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः मनुमेकाग्रमासी नमभिगम्य महर्षय प्रतिपूज्य यथन्यायमिदं वचनं ब्रुवन् योगेश्वरं जागवल्क्यं सम्पूज्य मुनिवो ब्रुवन् वर्णाश्रमयतराणां नो ब्रूहि धर्मानुशेषतः मनुवत्नि विष्णु आदित्यजाग्यबलकौशनौ अङ्गिरा यमापस्तम्ब संवर्ता कात्यायन बृहस्पति पराशरव्यासलिखिता संखलिखिता दक्ष गौतमौ तथा तपोवशिष्ठश्च धर्मशास्त्र प्रयोजकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् सप्तव्याधादशालेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ चक्रवाकाः सरदीपे हंसाः सरसिमानसे देवी जाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः प्रतिष्ठिताः दीर्घमध्वानं जीवं किं वसीदथ दुर्योधनो मनुमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः सखनिष्ठश्च शाखाः दुःशासङ्कुशफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रो मनीषी युधिष्ठिरो धर्मयो महाद्रुमः स्कन्धो अर्जुनो भीमसेनो अक्ष शाखाः माद्रिसुतौ दुःशफले समृद्धे मूलं कृष्णो मनु च ब्रह्मणाश्च अब बिखरा दान एगो पता ही पता हो मोहन जी चुका है दिल ये कह रहे थे कि कल यहाँ गया ना हाँ आएगा बच्चे मोहन जी काल भाई जावे कब जी जागे कब तब जाता है रात की खाने काम होता काल भाई यहाँ ना है दूसरे जगह हो सके ना पूछा भाई एगो जागे कब तो एक जगह चलते हैं दाएं के जब जगह उठने में देना होगा और क्या दिक्कत हाँ हाँ बंद कर दे थोड़ी देर तीनों रखाइए पर हो वो तो कट रहा है उल्टा रही जाने अब सब ले जाने हम रही हाँ साला कन्नी से दे रहे भाई वो ये रखा जी वो ये रखा जी यहाँ दिया दूसरा को पैंती ले लिया पैंती बा बताओ हो तो चलो नहीं है मंत्र बोलिए हाँ मंत्र तो बोलिए तू सब धारा समझ आई ना पहले पनिया गिरा के बट आधा पनिया गिरा देंगे मैं आधा पनिया गिराई आधा पनिया गिरा के कुशवा धारी कुशवा कुशवा धारी
प्रभाकर जी हाँ बोलिए असंस्कृत असंस्कृत पंडित का नाम प्रमिता नाम प्रमिता नाम त्यागी नाम त्यागी नाम कुलभागी नाम कुलभागी नाम उशिष्ट भाग भागया नाम भैया नाम गर्भेषु गर्भेषु विकरासनम विकरासनम अग्निदग्धास्य ये जीवा ये जीवा ये अप्या ये अप्या दग्धाः इले मम इले मम भूमौ 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 दत्तेन दत्तेन तृप्यन्तु तृप्यन्तु तृप्ता तृप्ता यान्तु यान्तु परां गतिं पैती हो जा निकाल के बोल के धो दी हाथ पैते धोलो पैती निकाल दी काम चला अब तक का नाम गई नल ना बनले त सीनन जे अरे इंकरा के दोस्त बिक रे पानी अब वाला गाड़ी लेके यही से त मताइल बने म पानी म धोक परी त औरन तो बंद करो हो गया पहले बता कर यार वैसा कोने हाथ से ल बैग धरा भाई तो दोस्तों ले है का घर है खाना आगे बढ़ाइए हां आगे बढ़ाइए दोस्तों तो ये लोग क्या हुआ है कि अब दक्षिणा होने वाला है तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे दक्षिणा होता है कैसे नहीं होता है तो मैं दक्षिणा शुरू करता हूँ। दोस्तों ये देखिए दक्षिणा का सारा सामान पूरा स्कूल का डोल का सब तेल सब हो जाए ना बस छोड़ दे रुक गया नहीं गिरेगा वो उधर हो जाए तो भाई आप सब करेंगे दिक्कत क्या है यहाँ पर बहुत समस्या है पृथ्वी ऐसे है और हम लोग बैठ रहे हैं ना तो पूरा ये वाला पोर्शन जो है कि इधर भाग रहा है समस्या तो हम नहीं नल क्या से पानी पी नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्गुरुताय गोविन्दाय नमो नमः।
हटा दो कला के बात गाड़ी वाला बात वो 3,500 रुपया मांगी तो दिया यो आप समझा वो गाड़ी वाला से बात करा देता नहीं हाँ हाँ भाड़ा क्यों ना ले गाड़ी वाला से बात हो जाता बंद कर दो उत्पन्न हम पानी दो धनमान पुत्र लगा दे खाना बाबा के तैयार कर भोजन कह देते हैं नहीं खाना भी हिंदी शब्द है भोजन भी हिंदी शब्द कल्याण है ठाकुर जी हाँ तो उर्दू हो गए चलिए बहुत जन हमने की मुँह से निकलिए जाला नहीं भोजन है जहाँ हमसे भूल हो जाए हम स्वीकार कर लेंगे हम हमें जी दुख कस न करें आई अरे धन्यवाद जय हो भगवान तीन दुना राज चौगुना गंगना जमुना की बाढ़ नियर बढ़ी पान फुलर फुलाइल रहे भोजन कर जरा 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 अपन भोजन कर।